सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहिनी सागर और आपका मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम बिरयानी की रेसिपी। अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मेलअप को, और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो रेलेवेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 6 उबले हुए अंडे और इसका मैंने छिलका हटा दिया है। 300 ग्राम मैं यहाँ पे बासमती चावल ले रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी चावल ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज है ये, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। कुछ खड़े गर्म मसाले मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, जिसमें है 2 तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच शाह जीरा, थोड़ी सी जावित्री, 2 से 3 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 स्टार एनीस और 1 दालचीनी का टुकड़ा। 2 बड़े प्याज हैं ये, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस करके तेल में तल लिया है। केवड़ा जल, इसमें से हम 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करेंगे। रेगुलर कुकिंग ऑयल, फूड कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीला वाला और लाल वाला, इन दोनों को मैंने 1-1 चम्मच पानी में घोल लिया है। 1 छोटा चम्मच शाही बिरयानी मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ जिसका मैंने छिलका हटा दिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना पत्ता, नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे ली है और इसे मैंने इस तरीके से बीच से स्लिट कर लिया है, और देसी घी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें उबले हुए अंडे को छेद कर लेना है फोक की मदद से, और उसके बाद हम ये मसाले लगाएंगे इसमें, और उसके बाद हम अंडों को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से छेद करना है। एक फोक की मदद से हम इसमें चारों तरफ इस तरीके से छेद कर देंगे ताकि फ्राई करते वक्त अंडे फटे नहीं। आप चाहें तो इसे नाइफ से भी कर सकते हैं। तो अंडे में हमने चारों तरफ छेद कर दिया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, स्प्रिंकल करते हुए हम मसालों को डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी, मिर्च पाउडर मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी हम 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे। मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से ताकि अंडों के ऊपर मसालों की अच्छे से कोटिंग आ जाए। अंडे बिल्कुल अच्छे से मसालों में मिक्स हो गए हैं और अंडों के ऊपर मसालों की अच्छे से कोटिंग आ गई है, और अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। एकदम बिरयानी को मैं इस पॉट में बनाऊंगी, आप चाहें तो पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं और इस पॉट में हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल अंडों को शैलो फ्राई करने के लिए। तो ये मैंने तेल डाल दिया है, तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हमें फ्लेम को कर लेना है मीडियम, और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला लगा हुआ अंडा। तो इसे हम आराम से डालेंगे। और अंडों को हम शैलो फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन कलर का, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे शैलो फ्राई कर लेना है। अंडे में मसाले लगाने से क्या होता है, बिरयानी खाते वक्त अंडे फीके नहीं लगते, इसलिए हमने इसमें मसाला लगा दिया है। तो इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अंडे भी बिल्कुल अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं, लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं, और अब हमें फ्लेम को कर देना है लो, और बारी बारी करके हम अंडों को निकाल लेंगे। तो अंडों को हमने निकाल लिया है और अब इस सेम पॉट में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा और तेल, यानी कि 2 चम्मच तेल में और डाल दूंगी इसमें,
और अब हम इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले जो हमने निकाल के रखे थे। तो हरी इलायची को और बड़ी इलायची को हमें दबा के खोल लेना है इस तरीके से। और ये बाकी के मसाले डाल देंगे हम इसमें, और इन मसालों को हमें लो फ्लेम पे भून लेना है तब तक जब तक कि खड़े मसालों का फ्लेवर तेल में ना आ जाए। मैं सेम पॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए, आप चाहें तो दूसरे पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम पे खड़े गरम मसालों को हमने एक मिनट तक भून लिया है, और अब हमें फ्लेम को बढ़ा लेना है। फ्लेम को हमें लो से मीडियम लो कर लेना है, और अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, मिला लेंगे इसे, और प्याज को हमें मीडियम लो फ्लेम पे भून लेना है तब तक जब तक कि प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची डाल देंगे हम बीच से स्लिट की हुई, और लहसुन की कलियां डाल देंगे हम जिसका हमने छिलका हटा दिया है, मिला लेंगे इन सबको अच्छे से, और इन सबको भी हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन हमने इसमें डाला है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने अच्छे से मिला दिया, और अब मैं इसे कवर कर दूंगी, और कवर करके हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में हम कवर हटा के चेक कर लेंगे ताकि प्याज जले नहीं। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची भी बिल्कुल अच्छे से भून गई है, और अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेम को कर लेंगे लो, और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साही बिरयानी मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हम इसमें, और नमक डाल देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले जले नहीं, मिला लेंगे इन सबको अच्छे से, और इन मसालों को हम लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया सबको, और अब मैं इसे कवर कर दूंगी, और कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में कवर हटा के हम चेक कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को हमने साइड में कर दिया है, लो फ्लेम पे मसाले भून रहे हैं, और यहाँ पे हमने पॉट में 3 से 4 कप पानी ले लिया है चावल को 75% कुक करने के लिए। तो गैस ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी में बॉईल आने देंगे। हाई फ्लेम पे पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हमें फ्लेम को कर लेना है मीडियम, और अब हम पानी में ऐड कर देंगे नमक। तो नमक मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, करीब आधा छोटा चम्मच, जैसे घी हम डाल देंगे इसमें 1 छोटे चम्मच के करीब, मिला लेंगे इसे पानी में, और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल को हमने नॉर्मल पानी से धो लिया है, तो ये चावल डाल देंगे हम इसमें, और मीडियम फ्लेम पे हम चावल को 75% कुक करेंगे। उससे ज़्यादा हमें चावल को कुक नहीं करना है क्योंकि बाकी का 25% हम इसे दम पे पकाएंगे। तो इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम चावल को पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे चावल को हमने 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है, और अब हम चेक कर लेते हैं कि चावल 75% कुक हो गया है या नहीं। तो इसे हम चला के चेक कर लेंगे।
तो देखिए चावल 75% तक कुक हो चुका है। चावल को बॉईल करते वक्त हमने इसमें नमक और देसी घी डाला था। घी डालने से क्या होता है, चावल आपस में चिपकते नहीं और खिले खिले से बनते हैं और बिरयानी में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और नमक डालने से क्या होता है, बिरयानी खाते वक्त फीके नहीं लगते। तो चावल हमारा 75% तक कुक हो चुका है, फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बर्तन और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये स्ट्रेनर। तो सबसे पहले हम इसे पीछे वाले स्टोव पे शिफ्ट कर लेंगे और इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। चावल को हमने साइड में कर दिया है ताकि चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे हमने मसालों को छोड़ दिया था भूनने के लिए। मसाले बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं, मसालों के ऊपर पूरा तेल आ गया है। तो इसे एक बार हम चला देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये अंडे जो हमने शैलो फ्राई करके रखे थे। तो ये मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं, मिला लेंगे इसे अच्छे से ताकि अंडे के ऊपर मसालों की कोटिंग आ जाए। तो अंडों को मैंने बिल्कुल अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिया है, अंडों के ऊपर मसालों की अच्छे से कोटिंग आ गई है। और अब हमें फ्लेम को बढ़ा लेना है, फ्लेम को हमें लो से मीडियम लो कर लेना है और मीडियम लो फ्लेम पे हम इन्हें 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे बिना कवर किए हुए। हमें इसे कवर बिल्कुल नहीं करना है। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने अंडों को भी फ्राई कर लिया है। तो इसे एक बार हम चला देंगे। तो अंडे भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं मसालों में और अब हम लेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे ये 75% कुक किया हुआ चावल। तो चावल को हम इक्वली स्प्रेड करेंगे। चावल को हम चारों तरफ से बिछा देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो एक साइड में मैं डाल दूंगी ये पीला रंग। फ्लेम को हमें लो रखना है। रेड फूड कलर डाल दूंगी मैं इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। और अब हम इसमें डाल देंगे तला हुआ प्याज। इसे भी हम चारों तरफ बिछा देंगे। हरा धनिया डाल देंगे हम इसमें। इसे भी हम बिछा देंगे चारों तरफ। पुदीना पत्ता डाल देंगे हम इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे केवड़ा जल। तो 2 बड़े चम्मच मैं इसमें केवड़ा जल डाल दूंगी। केवड़ा जल से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब हमें इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर देना है। तो ये सिल्वर फॉइल लेके हम इसे कवर कर देंगे इस तरीके से। इसका स्टीम बाहर ना जाए। और अब हम इस पे रख देंगे एक फ्लैट प्लेट इस तरीके से और इसके ऊपर हम रख देंगे चकला। तो भारी होता है चकला इसलिए मैं इस पे रख रही हूं ताकि इसका स्टीम बाहर ना निकले। और लो फ्लेम पे हमें इसे इस तरीके से पकाना है 5 मिनट तक। जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा हम फ्लेम ऑफ करेंगे
और हम इसे तवे पर रखेंगे और तवे पे दम देंगे हम इसे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे। 5 मिनट तक बिरयानी को हमने इस तरीके से पकाया है और बाकी का 5 मिनट अब हम इसे तवे पे पकाएंगे, यानी कि बिरयानी को अब हम दम देंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे साइड में कर देंगे। और अब हम रखेंगे एक तवा, गैस ऑन कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे हम तवे को गर्म होने देंगे। हाई फ्लेम पे तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है तो हाथ से हम तवे का टेम्परेचर चेक कर लेंगे। तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हमें फ्लेम को कर देना है लो। और अब हम इस पे रख देंगे ये पॉट और पॉट को हम तवे पे रख के 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को भी हमने दम पर पका लिया है और अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और सब कुछ हटाकर अब हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चकला हटा दूंगी, प्लेट हटा देंगे, सावधानी से हटाएंगे हम सब कुछ, सिल्वर फॉइल हटाएंगे हम, तो इसे पीछे की तरफ से हम इसे हटाएंगे ताकि जो स्टीम है वो चेहरे पे ना आए। तो देखिए, तो इसे एक बार हम फोक की मदद से ऐसे हल्के हल्के हाथों से चला देंगे ताकि जो चावल का स्टीम है वो बाहर निकल जाए। और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो हम इसे पूरा नहीं मिक्स करेंगे, हम इसे किनारे से निकालेंगे इस तरीके से, देखिए। एकदम बिरयानी बनके तैयार हो गया है और इसकी मैंने अच्छे से प्लेटिंग कर दी है। एकदम बिरयानी को आप अपने पसंद के रायते के साथ खा सकते हैं। तो देखा आपने इसे कितना आसान है बनाना, तो आप भी इस रेसिपी को बना के ट्राई ज़रूर कीजिए। और हमेशा की तरह अगर आपको आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनी मिल हब को, और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो रेलिवेंट लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।